फरीदाबाद के वल्लभगढ़ मेन बाजार स्थित एक हलवाई की दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहे दो बदमाश लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन दुकानदार की बहादुरी के चलते ये लुटेरे लूट की वारदात को अंजाम देने में विफल हो गए और दुकान में फायरिंग करके वहां से फरार हो गए। दुकानदार की माने तो बाइक पर सवार होकर तीन बदमाश दुकान में लूट के इरादे से घुसे थे, जिनमें से दो ने मास्क पहना हुआ था और एक बाइक पर ही बैठा था। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की बात कह रही है। नाम आपका? मेरा नाम दीपक है सर। कल 9:30 बजे गोली चली है दुकान का, क्या है पूरा एक बार बात बताइए सर। बात यह है, मैं आराम से यहाँ बैठा था, खाली था, कोई ले लड़के सब जा चुके थे, मैं अकेला बैठा था, मेरा गेट खुला हुआ था। वो दो आए हैं, उन्होंने मेरे से राम राम हुई है, सब काम हुआ है, उन्होंने हालचाल पूछा, मैंने सब हुआ है, वो आए, उन्होंने यहाँ खड़े हुए हैं जैसा आप ये खड़े हैं, उन्होंने आके सीधे कट्टा निकाले क्योंकि जितना पैसा है उतना दे दो, मेरे पास कुछ नहीं है। अच्छा। क्योंकि जितना भी है तुम दो, मैं कुछ नहीं दे रहा। उन्होंने कहा तेरे को गोली मार देंगे, मैंने आप पे गोली नहीं चल रही मेरे पे, तेरे को जान से तुम पे जान से नहीं मारा जा रहा मैं। उन्होंने इतनी देर में उन्होंने हाथापाई तुम्हें होती रही है, उधर मेरी दादी रहती है, उन्होंने आवाज़ दी है उधर से, वो इतनी देर में डर गए हैं, उन्होंने भागते हुए उधर की तरफ फायर करा है, जो कारतूस उधर सुबह रात को क्राइम ब्रांच वाले आके ले गए हैं, बस ये हुआ था। और वो मोटरसाइकिल पर आराम से बैठ के गए जैसे उनको कोई डर नहीं है। या किसी पे शक है या नहीं, कोई ऐसा, ऐसा कोई, किसी का पे कोई शक नहीं हो, फर्स्ट टाइम देखे हुए हैं, दोनों ने मास्क लगा रखे हैं। तीन आदमी थे, जो फर्स्ट बैठा हुआ जो मोटरसाइकिल स्टार्ट करी है उसने मास्क नहीं लगा रखा है, वो बारिश है, येलो कलर की टी शर्ट पहनी हुई है। पुलिस को सूचना दे दी गई, रात पुलिस को सूचना दे दी गई, पुलिस वालों ने कहा 2 से 3 दिन हमें टाइम दो जी, उसके बाद हम 2 से 3 दिनों में हम आपको कार्रवाई करके देंगे। ठीक। किसी को चोट वोट तो नहीं आई? किसी को कोई चोट नहीं है, किसी को कोई जान माल की कोई हानि नहीं। ठीक। और रात 9:30 बजे के करीब तीन लड़के मोटरसाइकिल पे आए थे, जिनमें से दो लड़के जो है ना इसमें लालचंद हलवाई जी की दुकान में घुस गए थे, और उन्होंने उनके गले पे जो उनका बेटा बैठा हुआ था दीपक, उसको कहा कि भाई जितने भी कैश है सारा निकाल दे वरना गोली मार देंगे। अच्छा। तो उसके गले में कैश था नहीं बाई चांस, तो उसने कहा कि मेरे पास कैश नहीं है। क्या तो इनकी पुरानी कोई रंजिश थी या नहीं? नहीं, कोई ऐसी रंजिश वाली कोई चीज़ लगती नहीं है, और जो भी होगा जल्दी से जल्दी उसको शॉर्ट आउट। कितने लोग थे उसमें? कुछ तीन लोग थे, एक मोटरसाइकिल पे स्टार्ट करके बैठा हुआ था और दो लड़के अंदर गए थे, और एक मिनट के अंदर ही वो जो ना अंदर जाके, और कैश जब उनको मिला नहीं तो डराने के लिए हवाई फायर करते हुए बाहर निकला। एक किसी की पहचान हुई अभी तक? नहीं, अभी हुई नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी पहचान कर लेंगे। हुलिया हमने जो ना उनका बहुत बारीकी से जांच कर रहे हैं हम उनके हुलिये से। किस तरह की कार्रवाई की जाएगी इस पे? क्राइम ब्रांच, सारी क्राइम ब्रांच एक्टिव हो गई हैं और हम लोग भी कर रहे हैं, और बहुत जल्दी से जो ना इनको हम अरेस्ट कर लेंगे बहुत जल्दी। किसी को कोई चोट वोट हानि? किसी को कोई चोट नहीं लगी है, और कोई लूट या कोई एक भी पैसा लूटा नहीं गया है, कोई लूट नहीं हुई है, और लगी हुई हैं हमारी क्राइम टीम है और हम लोग हैं लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे बहुत सारे हम देख चुके हैं, और भी हम देख रहे हैं जितना क्लियर से क्लियर हो सकेगा, और अपने जितने हमारे सोर्सेज हैं सारे एक्टिव कर दिए हमने, और जल्दी हम इसको पकड़ सकते हैं।